अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नमस्कार भैया जी, का है ना, हम नाक बंद करके इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये लोग ना 3 हफ्ता पहले हमको सम्मान से माला पहनाई थी, अभी तक उतारी नहीं है। कसम खा के कह रहे हैं कि इतनी बदबू आ रही है, भगवान करे हमको जुखाम हो जाए, ताकि नाक बंद रहेगी कम से कम सुगंध तो नहीं आएगी। लेकिन शुक्र है माला की बदबू के आगे फुवारा चौक में अब प्यार की खुशबू आ रही है। भैया मैंने तो एक ही कॉफी मंगाई थी। अरे भैया एक से भले दो, आज सबको दो दो मिलेगा। दो से इतना लगाव हो गया ना भैया हमें, क्या बताएं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी भैया। हाँ जी। वाह। अरे भैया आने लगे, क्या बात है, एक लड़का दो लड़की, भैया आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे एक मेरी मौसी की बेटी है और एक मेरी चाची की बेटी है। अरे भैया पर है तो दोनों लड़कियां ना। आप है कि नहीं, इसी बात पे आपको 50% डिस्काउंट दी थी और आपको 50% डिस्काउंट। इसका मतलब पैसा नहीं देना पड़ेगा। अरे भैया पैसा लगेगा और उल्टा आपका तो डबल लगेगा। इंदौर की जनता को कंफ्यूज कर रहे हो, बहनों के साथ कॉफी पी रहे हो। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये दो दो का क्या चक्कर है यार। जब से दोनों बहनों को देखा है ना यार, दोनों से प्यार हो गया कसम से यार। वो मेरी कॉफी और मैं उनका बिस्कुट, डूब जाना चाहता हूँ यार। अरे वो सस्ते बाजी रहो, मैं बता रही हूँ शादी करने के बाद ना आपकी जिंदगी कुत्ता हो जाएगी। वो छोड़ चुट्टन, ये सोच शादी करने के बाद मुझे ये डर है कि जूते कौन छुपाएगा यार। और रणबीर को नहीं देखा तूने, एक शादी करके कितना खुश है। सोच मैं दो दो शादी करके कितना खुश होऊंगा यार। ये अशोक आज इतना शांत क्यों है। या मैं बता रहा हूँ, दोनों में से एक को चूज करो। यार छुट्टन तुझे तो पता है ना यार मैं चूज करने में कितना कमजोर हूँ। हाँ भैया मुझे पता है, अगर आप चूज करने में इतनी अच्छे होते ना तो इतना आदमखोर बाप चूज नहीं करते। छुट्टन पापा है यार वो मेरे, ये सिर्फ मैं बोल सकता हूँ तू नहीं। छुट्टन यार मैं क्या करूँ, तू ही बताना यार। भैया उन दोनों से पहले आप बात करो, दोनों को जानो, फिर जाके कुछ डिसीजन लो भैया। तो मतलब पहले जानू फिर बनाऊ अपनी जानू। मुझ पर नाम में इंदौरी लगा है लेकिन मेरे कैफे में इंदौरी का कोई स्वाद ही नहीं झलकता। इटालियन पास्ता, इटालियन पिज्जा, अमेरिकन बर्गर, चाइनीज राइस, ओरिएंटल राइस, क्या करूं जिससे लोगों को प्रॉपर इंदौरी खाने का स्वाद मिले। कुछ नहीं कर पाएगा तू अगर 12th के बाद गांव से बाहर नहीं निकला तो। कुछ नहीं कर पाएगा तू। कुआ के हर दानों में आई लव इंदौर लिख कर बेचूंगा, इंदौरी खुश हो जाएंगे। घंटा घंटा, तीन तीन घंटा पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल ही हो जाएगा ना 12th में। पिज्जे में कड़ी पत्ता का चौका लगाकर इंदौरी स्टाइल में बेचूंगा। यही कहेंगे लोग अगर तू 12th में फेल हो गया तो। देख तू मेरी मौसी का पोता है इसीलिए तेरे को मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ तुझे ही बता रही हूँ, सुन रहा है ना तू। अरे
फोन ही काट दिया। कमाल है, ये तो मुझे ही रही है, शायद रिस्पेक्ट में फोन कान पर लगा कर रखा है। वाओ। छुट्टे, छुट्टे। हाय। रिद्धि सिद्धि, सिद्धि रिद्धि। कोई काम है क्या? आपके लिए पास्ता लेकर आया था। दैट्स सो स्वीट, बट अगर तुम्हारे मालिक को पता चल गया कि तुम हमारे लिए खाना लेके आए हो, तुम्हें मारेंगे नहीं? मालिक? अरे जमा जम कैफे का मालिक हूँ मैं, पापा है वो मेरे यार, वो तो छुट्टे में यार वो काम करता है। बट यार ये मैं ना पास्ता खा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी चिकन खा रही हूँ। देखो पता है जब ये नॉनवेज खाती है ना तो मुर्गी और मछली की पैंडेमिक चलती है, इतना ज्यादा खाती है। तुम मुझसे ज्यादा नहीं खाती होगी, मेरे से बड़ी नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तुम। सीरियसली? एक बात बताओ जरा, तुम्हारे पापा नॉन वेजिटेरियन से नफरत नहीं करते? पापा? पापा ने तो यार बचपन से छूट दे रखे है, बेटा खा, सेहत बना, खा। क्या बात कर रहे हो? नॉन वेज खाएगा हैं? चिकन खाएगा हैं? मटन खाएगा? अंडा खाएगा? नहीं खाएगा ना, अगर खाया था। क्या हो गया, कहाँ खो गए थे? ये दोनों तो नॉन वेज निकली, पापा नॉन वेजिटेरियन को दुकान में नहीं घुसने देते, घर में तो क्या खाक घुसने देंगे। अरे वो तो सोयाबीन भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो वेजिटेरियन का नॉन वेज है। इतना पसंद है ना चिकन? तुमसे खाऊंगा। तो खा ना। भैया 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 और क्या हो रही है? अरे मेरा सूप तैयार हुआ, मैंने कहा था ना बनाने। पापा, पापा नहीं, नहीं पापा, ये नहीं आप पी सकते। क्यों नहीं पी सकता? अरे इतने प्यार से क्यों बनाया कि मैं सूप ही ना पी सकूं? अरे अरे पापा तो झूठा ना थूका इसमें। कही का? इस दिन के लिए तेरे को रखा था दुकान पे। कह रहा था आप पगार टाइम पे नहीं देते ना, इसलिए मैं थूक बाहर फेंक के आता हूँ, ये थूक बाहर फेंक के आता हूँ पापा। प्लीज कंटिन्यू। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।